दतिया में जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्राम स्वराज अभियान के तहत आजीविका एवं कौशल विकास सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महिला स्व सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड की राशि वितरित की गई। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि आजीविका मिशन के द्वारा महिला समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगारों की और बढ़ाया जा रहा है, ये अच्छी बात है। उन्होंने महिलाओं को हौसला रखते हुए आगे बढ़ने की बात भी कही। साथ ही महिलाओं और पुरुषों को आजीविका मिशन की मदद लेकर खुद का रोजगार स्थापित कर सशक्त बनने की सलाह दी, जिसके लिए होशंगाबाद में मुर्गी दाने बनाने वाले समूह का उदाहरण भी दिया। वहीं समारोह से पहले मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रेलवे ओवरब्रिज के पास पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण विकास और करीब 2,40,00,000 रुपए की कीमत से बने प्रशिक्षण संस्थान भवन का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार देखो बहुत सबसे कम ब्याज पे पैसा दे रही है, 2 करोड़ रुपए तक का लोन दे रहे हैं। अगरबत्ती उद्योग लगा लो, मोमबत्ती उद्योग लगा लो, बीड़ी का उद्योग लगा लो, कौन से उद्योग लगाना है लगाओ ना, बाकी सब सुविधा देने को सरकार तैयार बैठी है। आप कागज से ऊपर तो आओ, कैसे भी हमारी बहन नंबर वन बने दतिया की, और ये खुद अपना उद्योग लगा। कोई भी दिक्कत आए पुरा की, मोहल्ला की, गांव की, शहर की, दतिया की, ये बैठे हैं अधिकारी, इनकी भी दिक्कत आए बोए बताओ, मैं जान लगाऊंगा तुम्हारे कागज।